साथियों आज जब हम साझी विरासत की बात कर रहे हैं तो मैं एक साझी चुनौती का भी जिक्र करना चाहता हूं ये चुनौती है कलाकृतियों की तस्करी और एप्रोप्रिएशन भारत जैसे प्राचीन संस्कृति वाले देश सैकड़ों वर्ष से इसे जूझ रहे हैं आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अनेकों कलाकृतियां अनथिकल तरीके से बाहर ले जाई गई हमें इस तरह के अपराध को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साख के बीच अब विभिन्न देश भारत को उसकी धरोहर लौटाने लो, लगे हैं बनारस से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हो गुजरात से चोरी हुई महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो चोल साम्राज्य के दौरान निर्मित नटराज की प्रतिमाएं हो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से सुशोभित तलवार हो पिछले नौ साल में ही करीब 240 प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापस लाया गया है जबकि उसके पहले कई दशकों तक ये संख्या 20 भी नहीं पहुंची थी इन नौ वर्षों में मैं भारत से सांस्कृतिक कलाकृतियों की तस्करी भी काफी कम हुई है मेरा दुनिया भर के कलापार्खियों से आग्रह है विशेषकर म्यूजियम से जुड़े लोगों से अपील है कि इस क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं किसी भी देश के किसी भी म्यूजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनथिकल तरीके से वहां पहुंची हो हमें सभी म्यूजियम्स के लिए इसे एक मोरल कमिटमेंट बनाना चाहिए